ग्रेट मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सचिन अग्रवाल आपका दोस्त। फ्रेंड्स, आज जब मैं ये वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज डेट है 1 मई 2020। आज मजदूर दिवस भी है और आज की परिस्थितियों में सबसे ज्यादा परेशान हमारे मजदूर भाई हैं और हमारे किसान भाई हैं। तो मैं ईश्वर से सबसे पहले ये प्रार्थना करना चाहता हूं कि इनकी परेशानियां जल्दी से जल्दी खत्म हो। फ्रेंड्स, कल डेट थी 30 अप्रैल, महीने का आखिरी दिन यानी बिजनेस क्लोजिंग का दिन। और कल जो बिजनेस क्लोज हुआ उसको देखकर मेरी आंखें नम हो गई और इसी वजह से आज मैं ये वीडियो आपके लिए बनाने को मजबूर हुआ। फ्रेंड्स, 29 अगस्त 2002 यानी आज से लगभग 18 साल पहले मैं अपने ट्रेडिशनल बिजनेस को संभालते हुए नेटवर्क इंडस्ट्री में भी आया था और मैंने इस इंडस्ट्री को पार्ट टाइम के रूप में सीखना और करना शुरू किया। तो जैसा किसी नेटवर्कर के साथ शुरुआत में होता है, वैसा मेरे साथ भी हुआ। लोगों ने मजाक उड़ाया, कई लोगों ने विरोध किया, कई एक्सपर्ट्स ने अपनी एडवाइस दी कि मुझे ये इंडस्ट्री क्यों छोड़ देनी चाहिए। मेरे कई वेल विशर्स, शुभचिंतकों ने मुझे समझाने का प्रयास किया, लेकिन ईश्वर का शुक्र है कि मैं बीच में रुका नहीं, मैं इस इंडस्ट्री से बाहर गया नहीं, मैं लगा रहा। और उसी का परिणाम है कि आज मेरे पास वो सारी चीजें हैं जो एक आम आदमी अपने जीवन में चाहता है, चाहे वो गाड़ी है, चाहे वो मकान है, चाहे वो अधिक घूमने फिरने का मौका है, फॉरेन टूर है, अपने परिवार के साथ बिताने के लिए ज्यादा वक्त है, मान सम्मान है, बैंक बैलेंस है। और इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें भी मुझे इस इंडस्ट्री ने दी जिनको आम तौर पर एक व्यक्ति ले नहीं पाता है, यानी एक सुरक्षित आय का जरिया, रेसिडुअल इनकम। अब ये क्या होती है, थोड़ा इसको समझते हैं। देखिए, पिछले महीना हम पूरे महीने लॉकडाउन में रहे और हमने अपने पूरी टीम को फोन कर करके ये बोला कि आप अपने घर पर ही रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो कीजिए, गवर्नमेंट की हर गाइडलाइन को फॉलो कीजिए। और टीम के हर व्यक्ति ने पूरी ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह किया और इस सब बातों का ध्यान रखा। लेकिन इसके बावजूद भी जो बिजनेस क्लोज हुआ वो बहुत ही शानदार रहा, मतलब मेरी उम्मीदों से कहीं ज्यादा। तो मैं रात भर यही सोचता रहा कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। तो मुझे समझ में आया कि इस लॉकडाउन के पीरियड में भी लोगों ने नहाते वक्त साबुन और शैंपू का इस्तेमाल करना बंद नहीं किया, लोगों ने नमक खाना बंद नहीं किया, लोगों ने मसालों का इस्तेमाल करना बंद नहीं किया, लोगों ने कपड़े पहनना बंद नहीं किया, लोगों ने रोटियां खाना बंद नहीं किया। और यही तो हमारे प्रोडक्ट हैं। और लोग अपनी जरूरत का सामान भी खरीदते रहे और मेरा टर्नओवर खड़ा होता रहा। हाँ, मैंने किसी को कुछ बेचने का प्रयास नहीं किया, न मैंने लोगों के घर में जाकर प्रोडक्ट पहुंचाया, लेकिन मेरी जो टीम इतने सालों की मेहनत से तैयार हुई है, उस टीम ने अपने अपने क्षेत्र के लोकल कंपनी के सेंटर से अपनी जरूरत का प्रोडक्ट खरीदा और उससे एक टर्नओवर, एक बिजनेस खड़ा हो गया। यानी जहां आज सभी बिजनेस संकट में हैं, ये इंडस्ट्री बड़े आराम से चल रही है। आज मेरे कुछ फ्रेंड्स जो अच्छी नौकरियों में थे, वो अपने नौकरी के भविष्य को लेकर आशंकित हैं कि उनकी नौकरी रहेगी या जाएगी, कहीं छटनी तो नहीं हो जाएगी, और अगर नौकरी रहेगी तो सैलरी उतनी ही मिलेगी या सैलरी डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। जो मेरे कुछ दोस्त व्यापार में थे, वो आज अपने व्यापार को लेकर बड़े परेशान हैं कि व्यापार वापस खड़ा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, कब तक हो पाएगा, और जब तक खड़ा हो पाएगा तब तक क्या वो सर्वाइव कर पाएंगे। तो जहां आज ये स्थितियां हैं, ये इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बड़े आराम से चल रही है, क्योंकि लोग अपनी जरूरत का सामान खरीद रहे हैं और लोग ऑनलाइन ज्वाइनिंग्स भी करवा रहे हैं। यानी जहां आज लोग अपने रोजगार को लेकर चिंतित हैं, हमारे रोजगार का जरिया न सिर्फ सुरक्षित है बल्कि हम भविष्य की बड़ी संभावनाओं को भी देख पा रहे हैं कि आने वाले वक्त में नेटवर्क मार्केटिंग का इंडियन इकोनॉमी में कितना बड़ा रोल होने वाला है। जहां लोग अपनी आमदनी को लेकर के चिंतित हैं, वहीं पर हम न हमारी आमदनी का जरिया तो सुरक्षित है बल्कि हम लोगों की मदद को भी तैयार हैं। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं
कि क्या अब भी कुछ सोचना बाकी रह गया है, क्या अब भी कोई बहाने बाकी रह गए हैं, अभी नहीं तो फिर कब। यह वक्त है एक डिसीजन लेने का, यह वक्त है एक निर्णय लेने का। फ्रेंड्स, कितना अच्छा हो कि अपनी नौकरी, अपना व्यापार, जो भी काम आप कर रहे हैं, उन कामों को करते हुए रोज 1 से 2 घंटे का समय अपने परिवार के साथ मिलकर कुछ नया सीखते हुए, अगर आप नेटवर्क इंडस्ट्री में अगले 2 से 5 साल काम करें और आपके पास भी एक सुरक्षित आय का जरिया हो जो आपको किसी भी मुश्किल परिस्थिति में भी परेशान होने ना दे, आपकी इनकम तब भी आए जब आप काम कर रहे हैं और तब भी आए जब आप किसी कारण से काम नहीं कर पा रहे हैं, यानी आपको फिर उसके बाद जीवन में कभी पैसों के लिए मजबूरी में काम करना ना पड़े। आप काम करें यदि आपकी इच्छा है, सपने बड़े हैं, काम से अगर आपको प्यार हो जाए तो आप जीवन भर करते रहें, मगर पैसों के लिए करने की जरूरत ना पड़े। आप अपने बच्चों के ज्यादा सपने पूरे कर पाए, उन्हें अच्छे स्कूल में भेज पाए, आप अपने परिवार को एक अच्छा जीवन दे पाए, आप एक अच्छी सी कार ले पाए, एक अच्छा सा मकान बना पाए, यानी वो सारी चीजें जो आप चाहते हैं, आपको ज्यादा मान सम्मान मिले, परिवार के साथ आपको बिताने के लिए ज्यादा वक्त मिले, तो कैसा रहेगा। फ्रेंड्स, मुझे नहीं मालूम कि आपके पास ये वीडियो किसके माध्यम से पहुंची है, मगर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, और जिन्होंने भी आपको ये वीडियो देखने के लिए प्रेरित किया वो आपके शुभचिंतक हैं, वो आपके हितैषी हैं, तो उनके साथ आप इस इंडस्ट्री का प्लान यानी नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान अच्छे तरीके से देखिए। अगर अभी मिलने का मौका नहीं है तो ऑनलाइन देखिए, क्योंकि यहां पर ज्वाइनिंग्स ऑनलाइन हो रही है, और उसके बाद अगर उनके प्रोडक्ट में आपको दम लगे, प्लान के साथ साथ प्रोडक्ट में भी दम होना चाहिए, अगर उनके प्रोडक्ट में आपको दम लगे कि उनकी प्रोडक्ट की कीमत और उनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, तो फिर आप नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत कीजिए विदाउट एनी सेकेंड थॉट। हां, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप इस बिजनेस को कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्या आपके साथ कोई जुड़ेगा, अगर ऐसे कुछ सवाल आपके मन में है तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, 5 चीजें हैं। पहली चीज, आपको एक डिसीजन लेना है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ज्वाइन करने का, और शुरुआत की छोटी छोटी मुश्किलों के बावजूद कुछ समय तक लगातार चलते रहने का। दूसरा, आपको थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए कुछ समय, थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए आपको तैयार रहना है। तीसरा, आपको कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहना है, अपने अंदर कुछ इंप्रूवमेंट लाने के लिए, कुछ डेवलपमेंट लाने के लिए आपको तैयार रहना है। और चौथा, आपको बताए हुए सिस्टम को फॉलो करने के लिए तैयार रहना है। तो ये 4 चीजें यदि आप करते हैं तो 5वीं चीज यानी आपकी सफलता, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट देंगे सक्सेस के लिए, यानी हम आपको हाथ पकड़कर सफलता तक लेकर जाएंगे, हम आपको मदद करेंगे सीखने में, हम आपको मदद करेंगे सफलता तक पहुंचने में। सो डोंट प्रोक्रेस्टिनेट, टेक ए डिसीजन राइट नाउ। जी हां, बिल्कुल ठीक सुना आपने, टेक ए डिसीजन राइट नाउ, अभी तुरंत डिसीजन लीजिए, इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में आइए। इस इंडस्ट्री का भविष्य बहुत उज्जवल है, आपके उज्जवल भविष्य की मैं बहुत सारी शुभकामनाएं आपको देना चाहूंगा। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, नमस्कार।